हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में आयशा नाम की लड़की ने वीडियो बनाने के बाद सुसाइड कर लिया था। इस मामले को लेकर देश भर में काफी गुस्सा देखने को मिला, लेकिन अब एक ऐसा ही मामला यूपी के संभल में सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों से तंग आकर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में पीड़िता ने कहा कि अगर वो आत्महत्या कर रही है तो उसके जिम्मेदार उसके ससुराल वाले होंगे। हालांकि नेहा नाज नाम की इस महिला के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के बाद संभल पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और उसे एक गलत कदम उठाने से रोक लिया। नेहा ने वीडियो में बताया कि वो चंदौसी की रहने वाली है। 6 साल पहले उसकी शादी शहनवाज अख्तर से हुई थी। शादी के 1 साल बाद नेहा को एक बेटी हुई, लेकिन पति और घर वाले इससे खुश नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि उन्हें बेटा चाहिए। इसके बाद ससुराल वालों ने 2 बार उसका अबॉर्शन कराया। इतना ही नहीं, वो उसे मारते पीटते भी थे। मेरा नाम नेहा नाज, मैं चंदौसी जिला संभल की निवासी हूँ। मेरी शादी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बोलता है हमें बेटी नहीं चाहिए। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। मेरा गर्भपात कराने के बाद मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ। मेरे पिता के घर आने के बाद मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख की मांग कर रहा है। बोल रहा है अपने पिता से 10 लाख रुपये ला कर दे। मेरे पिता को अपनी ये बात बताई। मेरे पिता की 9 महीने पहले मृत्यु हो गई। मेरे पिता को हार्ट हो गया। मेरी माँ विधवा हो गई। मेरी माँ मेरा और मेरी बेटी का खर्चा कैसे करें? मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मैं क्या करूं? मैं अपनी आत्मजीवन सीमा समाप्त करने की सोच रही हूं। मैं जिला प्रशासन संभल व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करती हूं कि आप मेरी मदद करें। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर व मेरा जेठ वसीम अख्तर, जो शहर का सबसे रसूलकार आदमी है। पीड़ित नेहा नाज ने अपने पति शहनवाज पर यह आरोप भी लगाया है कि उसने मायके से 10 लाख रुपए लाने के लिए कहा था। ये मांग उसके पिता पूरी नहीं कर सकते। 8 तारीख की रात को मेरी मम्मी मुझे लेकर गई। 15 महीने से तो कोई बुलाने नहीं आया। मम्मी ने सोचा चलो मैं लेकर जाऊँ। 15 महीने के बाद मेरी मम्मी मुझे वहाँ पहुँचा कर आई। पहुँचा कर जाने के बाद ससुराल वाले बोलते हैं कैसे आना हुआ तुम्हारा। मम्मी ने बोला इसको मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि कैसे लेकर आई हूँ, उसका टाइम तो खत्म हो चुका। मेरा सवाल ये था कि वजह क्या है, कि मतलब किस वजह से आपको परेशान करते हैं? 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि मुझे मेरे अपने पिता से 10 लाख रुपये ला कर दे। 10 लाख रुपये नहीं देने पर उन्होंने ये बोला। आपने ये भी कहा है कि वो कहते हैं कि सर बेटी हमें नहीं चाहिए, ऐसा भी कुछ है क्या उसमें? जी ऐसा नहीं, वो चाहिए कि ऐसा हमें बेटी नहीं चाहिए, हम औलादे नहीं चाहिए। वो छोड़ना चाहते हैं मुझे, वो रखना ही नहीं चाहते, उनके इरादे नेक नहीं है। अच्छा, वायरल वीडियो में आपने क्या मांग किया मुख्यमंत्री जी से, DGP से क्या मांग किया उसमें, किस तरह? मेरे साथ जो भी हो न्याय हो और उन्हें उनके कर्मों की सजा दिलाई जाए। क्या आपके FIR दर्ज, आपका केस दर्ज हो गया है? जी। फिलहाल SP चक्रेश मिश्र के आदेश पर चंदौली कोतवाली पुलिस ने आधी रात को ही पीड़िता को कोतवाली बुलाकर आरोपी पति समेत 7 ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया है। संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट।